तो अब हम उसी हिसाब से, तो आपकी वीडियो में ये भी आया है कि मेन चीज 60% बेड तैयार करना है, तो खेत हमारा तैयार है और हमने महीने भर पहले उसमें कंपोस्ट खाद जो है गोबर वाला वो डलवा दिया, जुत दिया, बरसात हो गई या हमने परिवर्त कर दी, परिवर्त कर दिया, खेत ओट पे आ गया। तो अब ओट पे आने के टाइम पे हमको उसमें एक एकड़ में कितना तो किलो DAP डालना चाहिए, जी कितना पोटाश डालना चाहिए, कितना यूरिया डालना चाहिए, और इसके अलावा और भी कुछ कितना डालना चाहिए, ये आप जो है। ये आपने बढ़िया सवाल किया। पहले जी तो आप इसको ये समझ लीजिए कि 80% बेड पे काम का मतलब होता है कि ये प्लान खेत पे काम होना चाहिए। हाँ हाँ खेत में आपका जितना अच्छा पानी निकल रहा होगा समस्या उतनी कम आएगी और प्रोडक्शन भी उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक, तो अगर आपका बेड खेत का एरिया बिल्कुल एकदम प्लान है, हल्का ढाल है, ठीक, पानी रुकता नहीं है, नहीं तो ये बेटर है। अगर जहाँ भी आप ये मान लीजिए कहीं 1 इंच पानी अगर रुका तो वहाँ आपका उत्पादन घट जाएगा, वो पौधे में या तो समस्या शुरू हो जाएगी, नहीं होगी तो उसका प्रोडक्शन एक जैसा नहीं आएगा, नहीं आएगा। ठीक, एरिया एक जैसा हो। उसके बाद आपने जुताई कम से कम 4-5 होनी चाहिए, जैसे मेरे यहाँ लगभग 5 जुताई होती है, 4 हाँ तो 5 लग जाए, 6 लग जाए। हाँ जी, हार्ड मिट्टी है चूँकि जिले पड़ुआ मिट्टी है तो 3 जुताई है, 4 अच्छा, हमारे पास एक पावर टिलर और गिब्ज का, जी उसमें 14.5 का इंजन है और रोटरी है 2 फट की 2.5 फट की, तो उससे तो हम खेत ऐसा तैयार कर देंगे बिल्कुल का जो है ये बड़े बिल्कुल ट्रैक्टर नहीं करते, इतना गहरी, इतना पेड़ चला जाता है। हाँ आज तो बहुत बढ़िया है, हाँ गहरी जुताई करके, गहरी जुताई हो गई उतना ही अच्छा। हाँ गहरी जुताई करके, और उसके बाद आप बेड को, अब पहले आप इस बारिश को नोट कर दीजिएगा कि आपके खेत में अगर अच्छा खासा डाल बढ़िया पानी निकल रहा है तो आप बेड 8 इंच 9 इंच 10 इंच ऊंचाई में, ऊंचाई में ठीक इतना पर्याप्त। हाँ अगर आपको लगता है कि पानी स्लो निकलता है बाहर तो फिर आप उसको 1 फीट 12 से 10 से 14 इंच के बीच में, अच्छा उसी हिसाब से, जैसे बहुत ज़्यादा स्लो आपको लगता है कि बारिश खत्म होने के बाद 3-4 घंटे में पानी निकलेगा तो फिर आपको उसको 12 इंच से ऊपर ले जाइए, 13 इंच 14 इंच तो उत्पादन बढ़िया, उत्पादन बढ़िया जाएगा, उसकी बारिश का जो खतरनाक प्रकोप है उससे बच जाएगा, बहुत बच जाएगा। और दूसरी चीज़ जैसे मान लीजिए बेड इन दिनों बना रहे हैं हम सर्दियों के लिए है तो आप 8 इंच 10 इंच 8 इंच, हाँ तो इसमें खतरा उन नहीं है उतना ज्यादा नहीं है, वो बरसात को ध्यान में रख के, बरसात को ध्यान में रख के, बिल्कुल सही बात है। और रही इस पर तो आप मिट्टी को पहले तो जैसे मिट्टी अगर जांच वाँच कराइए तो आपको मालूम चल जाएगी कि न्यूट्रिशन वैल्यू कितनी है, जाँच अभी तो करवाई ना कराई हमने, तो अगर जाँच वाँच नहीं करानी है तो आप बस सीधे सीधे मान लीजिए कि आप उसको NPK बना के डाल दीजिए गोभी के लिए, गोभी की खेती है या गोभी है मिर्च है तो उसको NPK बना लीजिए, जैसे 19-19 होता है, 26-26 होता है, तो जैसे 1 एकड़ में आप मान लीजिए कि 1-1 क्विंटल, 1 एकड़ में 1 क्विंटल 2 कट्टे DAP के, हाँ 2 कट्टे DAP 2 यूरिया 2 पोटाश इस तरह से बराबर मात्रा जो है डाल दी, तो ये NPK हो गया, NPK हो गया। इसके अलावा कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है आप इसमें, जैसे 1 एकड़ में 3 किलो से लेकर 5 किलो तक घूमे किस अगर उपलब्ध हो जाए 98% 98% तो ये पावर फॉर्म होगी, तो जो आप बता रहे हैं, हाँ 98% मतलब वो बढ़िया होता है नंबर, नहीं बढ़िया था मतलब पाउडर फॉर्म, हाँ पाउडर होगा, पाउडर नहीं होता है, नहीं लिक्विड में होगा, चाय जैसा होता है, अच्छा क्रिस्टल क्रिस्टल चाय जैसा होता है, चाय पत्ती जैसा होता है, नहीं लिक्विड में भी तो आ रहा है, नहीं वो बकवास वो तो, हाँ ये जो है ना कि उसको 1 लीटर में पूरे 50 लीटर बना के बेच रही है, हाँ हाँ बड़ा कंपनियाँ, बड़ा सोनू भाई बड़ा घपला कर रही है, तो ये 18% वाला जो ह्यूम कैसेट है ये उसको आप 2 किलो से 5 किलो 1 एकड़ में, तो DAP साथ या यूरिया साथ मिक्स हो जाए, मिक्स करके ऐसे डाल दीजिए या उस पानी की छींटी वींटी मार के मिक्स करें, नहीं 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 आप बिल्कुल वैसे ही सूखा होता है मिला दीजिए तो बढ़िया अच्छा कर जाएगा। अच्छा अच्छा, तो आप दोनों तरीके से डाल सकते हैं, जैसे मैं ज़्यादातर क्या करता हूँ कि जैसे खेत की जुताई की प्लान किया हाँ और पूरे खेत में फकवा दिया उसके बाद बेड समेट दिए, तो होगा तो ऐसे ही बेड तो नीचे भी चला जाता है ऊपर भी चला जाता है, या आप ऐसा भी डाल सकते हैं कि जैसे पहले बेड बना दिया और फिर बेड के ऊपर फेंकवा दो तब भी काम बराबरी कर, वो मिट्टी कैसे मिलेगा बेड को, अंदर ज्यादा नहीं जा पाता उसमें, लेकिन इसकी एक खासियत होती है अगर आपके खेत में मल्च है तो अगर नीचे नहीं भी है तो भी काम करेगा, क्योंकि पौधे की 70-80% जड़ ऊपर होती है, सही है चकड़ा जड़ जो है ऊपर है, सही तो वो ले लेता है दोनों तरीके से की जाए, लेकिन हम तो खेत में डाल के हैं वो ज्यादा बेटर, तो खेत में डाल के मिट्टी को अच्छे से मिलता है ना, मिट्टी नीचे ऊपर हो जाएगा तो ये मान लो जाएगा 2 किलो 2.5 किलो या 3 किलो ह्यूमिक एसिड डाल दिया 1 एकड़ के लिए, इसके अलावा जैसे बोरोन है सल्फर है जिंक है इस तरह के, गोभी के लिए जैसे कम से कम आप
अगर जहाँ तक बोरेट वोरेट मिल जाए, बोरेक्स वगैरह, बोरेक्स बोरेक्स आती है, तो एक एकड़ में 3 किलो बोरेक्स से बोरेक्स बिल्कुल डाली देनी चाहिए। हाँ, चमक आती है उससे। अच्छा, और बोरेक्स के अलावा और कुछ ना कुछ कैल्शियम डाल दो। कैल्शियम 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 और फिर ना आप सादा चूना फेंक दो, वही वाला जो पिटाई उठाई। हाँ हाँ, एक एकड़ में 50-60 किलो फेंक दो। अच्छा, 50 किलो 10 किलो का बीज अगर इतना न्यूट्रिशन आप डाल देंगे तो इसके बाद रुपाई के बाद आप 2 फसलें आराम से काटेंगे, आपको उसमें एक तन का खाद नहीं देनी पड़ेगी, 2 कटाई दे देगा ये बहुत आराम से, कुछ करने नहीं पड़ेगा। अच्छा, एक तो स्थिति ये हो गई, अब जैसे नालियों में जब पानी चल रहा है तो इसके साथ कुछ पानी के साथ और न्यूट्रिएंट देना, अगर आप इस तरह से बेड कंप्लीट कर लें तो फिर नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, अब बिल्कुल आवश्यकता पड़ेगी नहीं उसको, जो खेत तैयार करते टाइम दे दिया उसके बाद कोई आवश्यकता बिल्कुल नहीं जरूरत पड़ेगी। अच्छा, इसके अलावा जैसे ये जीवामृत बताते हैं, मान लो गाय का गोबर है, गाय का पेशाब है और घोड़ा और ये मिट्टी बेसन डाल के जीवामृत मान लो 1000 लीटर डाल दें एक बीघे में, 200 एकदम एक बीघे में इस तरह से डाल दें 3-4 बार पानी में, तो उसका लाभ रहे बिल्कुल रहेगा, फिर इसको कम कर लेना चाहिए। नहीं, दूसरी उसके जैसे एक फसल कट गई, एक बार कट गया तो दोबारा जब आएगा तो उसको ताकत चाहिए एक तरह से, मान लो दोबारा ये ऑर्गेनिक खाद है तो ये तो आप जितनी ज्यादा डालते रहेंगे ये हानि करने वाली चीज तो है नहीं, हानि तो भैया हानि नहीं होगी, इसे लाभ ही लाभ होगा, हानि नहीं होगी। और दूसरी चीज आप ये ऐसा कह लीजिए कि अगर आप इसमें जैसे 3 क्विंटल खाद पहले से डाल चुके तो फिर इसकी आवश्यकता पड़ेगी आपको, आराम से 2 कटाई दीजिए, पौधा इतना हेल्दी हो जाता है, उसको जरूरत जैसे पहला फूल कट गया आपका तो दोबारा फूल जैसे अगर 2 कल्ले छोड़ने दो ज्यादा छोड़ेंगे तो छोटा नहीं, 2 छोड़ने तो दो वो फिर कितने टाइम ले लेते हैं तैयार होने, ये तो आपको अनुभव होगा। आप ये कहिए कि आप पहली कटाई करेंगे, पहली कटाई से आप बाहर नहीं निकल पाएंगे, दूसरी कटाई तब तो स्टार्ट हो जाएगी, दूसरी कटाई साथ होने लगेगी आपको मालूम ही नहीं चलेगा, रेगुलेटरी बन जाएगी। अब जैसे ये मैं इसको रोक नहीं पाया बीच में, 1 दिन का भी टाइम नहीं दिया था, ये कंटिन्यू कटाई जा रहा है। अब ये हालांकि हमारी तुलना में तो आप कृषि पे आपका ज्यादा ध्यान है, दूसरी की वो हमारी हिंदी का शब्द ब्रज भाषा में आपकी जान होगा बेगार प्रथा पहले चलती थी ना कि जमींदार उनसे छोटी कास्ट के लोगों को कमाईयां लिपाई कर गरीब पर फलान कर, ये बेगार प्रथा बोलते थे उसको, तो जैसे मैं बेगार करता रहता हूँ तो शायद आपके साथ ऐसी समस्या कोई ना हो, या हो तो कम मात्रा में हो। नहीं जी, सबके पास होती है, आप ऐसा कहिए कि ये सारी चीजें, पर मैं कम मात्रा में ज्यादा मात्रा में लगा हर व्यक्ति पीड़ित है जब बेगार कुछ दिनों से, ये कहिए कि मैंने इन सब चीजों पर सोचना, फोन मोबाइल यूज करना ये सब ऐसे बंद कर दिया, फोन नहीं डालते बहुत कम भाई जी। अच्छा किया, फोन चैन नहीं लेने देगा, अरे ये काम नहीं करने देगा, काम नहीं, किसान आए दिन किसान आते हैं, यह ढेर सारी समस्या है। अच्छा, अब एक समस्या मैं और रखूंगा कि जब 25 मार्च निकली जो गोविंद 2 साल की सोनू भाई, जैसे 25 मार्च निकली और 1-2 अप्रैल स्टार्ट हुई, अब सुंडी आती है गिड़ार जो है, हाँ हरे रंग की जो है, हरे रंग की काले रंग सुंडी जो है, और वो पहले तो इक्का दुक्का दिखाई पड़ी और फिर वर्मा जी ऐसी पूरे खेतों में फैल गई, दवा का उस पर कोई असर नहीं, जो दवाएं वैज्ञानिकों ने बताई कि ये स्प्रे करो और सारी नीचे छुप जाती है जान क्या करती है, और सुंडी अब वहाँ जो हमारे लोग जो गोभी करते हैं उनका भी ये कहना है कि सुंडी रुकती नहीं, कितना भी स्प्रे कर लो, हमारे यहाँ तो दुखी है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये सुंडी का कुछ ऐसा जो है रामबाण का, मैं देखेंगे आपको सुंडी देखेगी नहीं, आपको नहीं दिख रही है, लेकिन हम करेंगे कुछ रामबाण ऐसा, पत्ता कटा मिलेगा पूरा। और मैंने इसमें लगभग आप मान लीजिए कि ये 12 अक्टूबर से कोई स्प्रे नहीं किया, 12 अक्टूबर से 12 नवंबर 1 महीना वही हो गया, और ये नवंबर में आज आपकी हुई, और पूरी फसल में आप कहिए कि मैंने इसमें केवल 4 बार स्प्रे किया। अच्छा, 4 बार में इसमें मैंने 1 बार कॉपर डाला था, तो वो तो फंगीसाइड होगा कॉपर, और कॉपर के साथ सुंडी उंडी की दवा भी मिला के डाली। अच्छा अच्छा, जो उड़ने वाले कीट होते हैं रस चूसक जो है, माहू है, चैपा है, या इस तरह के, फिर ये सब भी इसमें बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसमें क्या क्या, आप ये कह लीजिए कि ये जून जुलाई या ऐसा कहिए सीधे कि ज्यादातर होता है अप्रैल से लेके और सितंबर के महीने तक, इतने पीरियड में तो निश्चित होना ही होना, सबसे ज्यादा आता है। तो सुंडी का कुछ ऐसा उपाय है कि ये कंट्रोल मतलब पहले से ही कुछ व्यवस्था की जाए? अच्छा अच्छा, मल्चिंग का कुछ लाभ है सुंडी रोकने में? नहीं, मल्चिंग का सुंडी से कोई ताल्लुका नहीं, जमीन में सुंडी है मान लो, अब उतने बीच में मल्चिंग कटी हुई है पौधे के आसपास जो है, तो जमीन में से वो सुंडी निकल के उसी सुराखों में होके
आ जाएगी ऊपर पौधे पर। देखिए दवाएं इस तरह की आती हैं जो लगभग लगभग 15 दिन 20 दिन तक काम करती हैं। अच्छा, जैसे टाटा की आप टाकू में डाल लो। किसान क्या होता है कि उसको मालूम नहीं होता है, सीधे दुकानदार के पास गए और ज्यादातर दुकानदार को केवल वही मालूम होता है जो कंपनी वाले ने बताया। भाई दुकानदार तो खेती कर नहीं रहा है, वो तो बेच रहा है, तो जो कंपनी वाले उसको समझाएगा वही गीत गाएगा वो। अच्छा प्लस उसके दिमाग में एक चीज होती है सेलिंग की, क्योंकि वो बैठा पैसा कमाने सेलिंग की सोच ज्यादा है उसके दिमाग में। अच्छा उसको आपके रिजल्ट से नहीं, ना ना इसके लिए जरूरी है किसान का एक्टिव होना, किसान का ज्ञान बहुत जरूरी है खुद का, और नहीं तो वो फिर चौपट मामला है। और इसमें जैसे ज्यादातर क्या होता है कि बरसात में दवा ज्यादातर धुल जाती है, धुल जाती है, इसलिए वो काम नहीं करती। तो वो तो जैसे हमने कोई स्प्रे किया बरसात, मान फंगीसाइड का किया या कीटनाशक किया, तो कितने टाइम बरसात रुकी रहनी चाहिए उसके ईमानदारी से, जो है कि दवा फिर बरसात हो जाए फिर नुकसान ना हो। आप ऐसा समझ लीजिए कि बरसात में जब भी जैसे कोई कीटनाशक अगर दवा डालते हैं तो उसमें सिस्टमेटिक प्लस कॉन्टेक्ट दोनों होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। एक तो ये होगा जितना कीट उसके आवरण में आएगा उसके कॉन्टेक्ट में आएगा वो मरता चला जाएगा, तुरंत चला जाएगा। ठीक है, ठीक है। और बाकी सिस्टमेटिक अगर 2-3 घंटे बरसात नहीं हुई तब तो पौधे के सिस्टम में दवा चलेगी वो काम करेगी। ठीक है, अगर 1-8 घंटे 15 मिनट 20 मिनट में अगर होगी तो फेल है मामला। आप मान लीजिए कि ये धुल गई, आप उसको दोबारा लगा। अच्छा उसमें जो ये चिपको जो होता है इसको क्या बोलते हो आप अंग्रेजी में? चिपकू का मतलब जैसे सिलिकॉन बेस आता है, पेटिंग एजेंट जो पत्ते चिपक जाता है, मेरे दिमाग से उतर रहा है वो। ये ऐसी अपसाइटी आता है, एप्स हां बहुत सारे आते हैं, एग्री 82 आता है, काफी एग्री 82 जो आती है इसका मतलब होता है ये पानी को फैलाता है। हां ठीक है, केवल उसके लिए होता है, ज्यादा कोई रोल नहीं होता। ठीक है, हालांकि ये अपसाइटी वगैरह आजकल सिलिकॉन का बहुत सिस्टम चला मार्केट में, सिलिकॉन बेस्ड जितने जो आते हैं इससे पत्ते का फप होते हैं, काफी अच्छे काम भी करते हैं, लेकिन सिलिकॉन के नाम पर बहुत महंगा होता है। महंगा होता है, अच्छा, और पता नहीं उसमें प्योरिटी है कि नहीं। हाँ ये भी बात है। और ज्यादातर आप कहिए कि इसका मेन रोल होता है पानी को फैलाना। ठीक है, अच्छा कुछ लोग सर्फ के पानी कम पकड़ते हैं, कुछ शैम्पू डाल देते हैं, शैम्पू के पाउच डलवाते हैं, ये दुकानदार बिल्कुल काम करेगा कि शैम्पू के पाउच डाल दो तो मान की पाउच से तो ये पानी और रपट के नीचे गिर जाएगा इसमें पत्ते पैसे। नहीं नहीं नहीं, अच्छा उसका रोल यही होता है जो काम शैम्पू करता है, शैम्पू साबुन वो याद ये कहिए कि वो सोडा ही होता है। अच्छा, एक लिक्विड फॉर्म में सोडे को पिघला के बस उसे बना दिया जाता है। आप एक पुड़िया सीधे सीधे निर्मा की डालो ना, वही काम करे, वही काम। इसका काम है जैसे जैसे गोभी में इसमें आप जब पानी डालेंगे ना ऐसे तो ये पानी पकड़ेगा नहीं, बच्चे वो तो पानी रपटेगा, इसमें बिल्कुल बूंद जाएगा ही नहीं, ऐसे पकड़ेगा नहीं। ठीक है, अगर इसमें साबुन शैम्पू या चिपकेगा चिपकू होगा तो वो उसको फैला देगा, ऐसे फैला देगा। ठीक तो लग जाएगा। गोभी में किसान क्या करता है वो इसलिए काम नहीं करती, आप जो बता रहे कि दवा डाल रहे हैं मन नहीं रही, तो पत्ता पकड़ते ही नहीं उसको, दवा सब मिट्टी में चली जाती है, सारी मिट्टी में चली जाती है। अच्छा, उसमें दवा डालने का तरीका ये होता है जैसे आप इसको देख रहे हैं कि ऐसे लगा है, आप जब यहाँ से दवा डाल रहे हैं तो ये एक साइड से इसमें दवा जाएगी, उस साइड से नहीं आएगी। तो अगर आप पूरी तरह इसकी सुंडी खत्म करना चाहते तो एक बार इस तरह से इधर से और एक बार उधर से डालिए, दोनों साइड से वो दवा उस पर काम करेगी, दोनों साइड से। जैसे आप यहाँ से आ रहे हैं तो इस तरफ पड़ेगी, यहाँ बिल्कुल पड़ेगी। और इसको हमेशा सुंडी को मारना चाहिए लार्वा पे, ठीक, अंडे पे भी नहीं मरेगी, आपको गोभी में दिख जाएगी इसके अंडे यहाँ पे चिपके हुए होंगे, अंडा दिख रहा है, अंडा भी पे नहीं मरेगी, जैसे बाहर निकले लार्वा पे, होशियार किसान होगा वो पकड़ लेगा कि सुंडी आ गई है लार्वा पे, उस समय डाल दो आप, सस्ती दवा भी अगर डाल लोगे तो सुंडी मर जाएगी। और ये लगभग आप समझ लीजिए कि सुंडी का एक सिस्टम होता है कि हर हफ्ते लगभग वो अंडे देगी, हमेशा आपको दिखता रहेगा कि अंडे दे रही है इसमें लार्वा है। तो ऑर्गेनिक किसान है या कोई ऐसा है जो दवा नहीं, एक आध एकड़ का किसान है, जैसे अगर मुझे 1-8 बीघे में खेती करना हो तो मैं दवा का यूज नहीं करूँ। अच्छा, बढ़िया इसमें अंडा होता है उसको यहीं से पत्ते को फाड़ लो इतना। ठीक है, लेकिन हर पेड़ चेक करना पड़ेगा। हाँ, हर पेड़ चेक करना पड़ेगा, तो छोटा किसान है वो कर सकता है, वो कर सकता है, अगर बड़ा किसान है बड़ा एरिया में वो सफलता नहीं कर सकता तो उसको दवाई डालनी पड़ेगी। तो दवा जैसे बरसात में अक्सर अगर 5 घंटे मिल जाए मान लो, हाँ तो पर्याप्त है, तो 5 घंटे बाद बरसात आती है स्प्रे 5 घंटे बाद तो काम कर जाएगी, तो काम कर जाएगी। अच्छा, और वर्मा जी हम अपनी मन की बात कह रहे हैं कि जैसे सर ये शैम्पू का डाला पाउच, क्या गुड़ की कुछ मात्रा घोल करके छान करके मिलाई जा सकती है? नहीं, ये सब में नहीं मिलाना चाहिए। नहीं, गुड़ जैसे चिपक जाता है तो क्या ऐसा कुछ उसका लाभ मिलेगा या कोई लाभ नहीं मिलेगा गुड़ डालने से? इसमें नहीं मिलेगा। अच्छा, ये फैलाएगा चिपका, क्योंकि आप समझिए
चिपकू का मतलब चिपकाना नहीं होता है, उसका नाम चिपकू है, इसलिए लोग उसको समझते हैं कि ये चिपकाए पत्ते से, मतलब नीचे न गिरे, नहीं ऐसा नहीं है। अच्छा। उसका मतलब है फैलाना, जो बूंद गिरी है वो डायरेक्ट रपट के मिट्टी में न जाए बल्कि वो पत्ते फैल जाए। फैल जाए ये मतलब वो, जैसे जब आप चिपकू पानी में मिलाएंगे, सादा पानी डालेंगे तो छोटे एरिया में जाएगा, उसमें आप जब चिपकू डाल देंगे तो वो तीन गुने एरिया में फैल जाएगा, वो तो पूरे पत्ते फैलेगा। हाँ, तो कम दबाव तो रपट के बूंद के रूप में नहीं गिरेगा नीचे, गिरेगा नहीं, बस इसके लिए होता है वो, बाकी कुछ तो शैम्पू काम कर जाएगा उसमें। शैम्पू काम करेगा आपका, साबुन काम करेगा, साबुन काम, निरमा काम करेगा आपका, आपका चिपकू काम, जो भी ठीक लगे आप डाल सकते हैं। और सिलिकॉन वगैरह ऐसा होता है, थोड़ा सा सिलिकॉन टॉनिक का भी काम करता है उसमें, पौधे के लिए, हेल्थ के लिए, जैसे वो लग जाएगा तो ये जैसे F82 है ये सिलिकॉन में ही आते हैं। हाँ, अगर F82 Agri82 है ये सबसे अच्छी होती है मार्केट में, जितनी भी आती है इनमें सबसे अच्छी F82 पहले नंबर पे। अच्छा, काम भी अच्छा कर लिया, थोड़ा सा महंगा भी था उसी का, नहीं 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 महंगा नहीं है, बाकी मार्केट में जितनी आती है वो सबसे सस्ता है। अगर आप एवरेज में देखेंगे, क्वांटिटी में देखो तो सस्ता है। जैसे मैंने एग्रीटीट्यूड यूज किया लगा था, वो 1200-1400 रुपए लीटर आता है एफसाइटी, मार्केट में जी 1800-2000 रुपए लीटर आ रही है बाकी। अच्छा, 100 ml में, तो उसकी तुलना में तो सस्ती है और उसका काम ज्यादा अच्छा है। ये बहुत घटिया क्वालिटी की, वो सबसे पहले नंबर की। अच्छा, पौध हमको ट्रांसप्लांट करने से पहले खेत में उसमें कीटनाशक और फंगिसाइड का स्प्रे कर देना चाहिए, अगर ट्रे में और इसमें जैसे ब्लू कॉपर है या जो कोई फंगिसाइड आपस में क्रॉस तो नहीं करते के? नहीं नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती के वो, मतलब कीटनाशक और वो गड़बड़ कर जाए। गोभी में शुरू से लेके एंड तक एमिडा कंटिन्यू किए रखना चाहिए किसान को, एमिडा क्लोप्रिड जो है कंटिन्यू 17.8 वाला। हाँ, अच्छा, और जहाँ तक अगर ये बाहर का मिल जाए, टाटा का मिल जाए, सिंजेंटा का मिल जाए तो बेटर है। हाँ, तो ये तो बहुत, सिंजेंटा का तो पहले नंबर कंपनी के मामले में, टाटा का भी बढ़िया। बायर का जो कॉन्फिडोर आता है, कॉन्फिडोर वो इन सब में सबसे बेटर होता है, 12.5 ml भी पड़ेगा, 12 ml पर्याप्त है। अगर बायर वाला मिल जाए तो मिल तो जाएगा फिर मार्केट से, कॉन्फिडोर है सबसे अच्छा काम करता है, वो सबसे अच्छा काम, बहुत सारी कीट वीट सारी चीज। गोभी की तो आपके लिए 70 सुंडी के अलावा बाकी की सारी समस्याएं अगर आप चाहें कि आपके खेत में दिखे नहीं, तो आप बस उसको देखते रहिए, जैसे वो अंडे से बाहर निकले तो वो दिखाई देगी, गोभी के पत्ते में सब दिखती है। तो अब मुझे ये बताओ, दिख रही है तो हम पत्ता तोड़ने की कंडीशन नहीं है मान लो। हाँ, तो आप तो स्प्रे एक बार तो इधर से कर ले गए, एक बार उधर से कर ले गए, और फिर भी ये वो नीचे छिपी हुई है मान लो, तो उस कंडीशन में वो कैसे कैसे मरेगी? देखिए, आप मैंने बताया कि आप दो तरह की दवाई ला रही है। हाँ। जैसे मान लीजिए एक दवा हमने मिला दी टाटा की टाकू में तो ये सिस्टम है क्या, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है क्या? टाकू में लगे और जैसे दूसरी आप कोई भी मिला दीजिए, जैसे साई पर मिला दीजिए, ट्राई जो फॉस मिला दीजिए, ये मार दीजिए, फिर वो जो है या डेल्टा मैथिन मिला, तो ये एक बार का स्प्रे डबल जो है दोनों तरफ का 15 दिन तक चल जाएगा कि नहीं चल पाएगा? बरसात में ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ते दस दिन बाद जो है, दस दिन में स्प्रे करना है। बारिश खत्म होने के बाद आप ये कह लीजिए कि आप बारिश खत्म हो जाते एक बार डाल लो, उसके बाद फिर डालो। हाँ, बारिश के पीरियड में तो जुलाई और अगस्त में तो आपको हर हफ्ते करना है, 2 महीने पड़ेगा, बिल्कुल कंटिन्यू करना पड़ेगा, नहीं तो आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और फिर 2 महीने के लगातार स्प्रे पे हो सकता है वो काफी कुछ अपने आप ही नष्ट हो जाए। वो जैसे ही बारिश खत्म होगी आप अक्टूबर में एक दो बार देखेंगे, उसके बाद फिर दिखेगी नहीं, फिर दिखेगी, इन दिनों तो आती नहीं है, बहुत हल्का फुल्का होता है। अच्छा, मैं जो कह रहा हूँ मार्च के अंतिम सप्ताह से या 25-26 मार्च से वो स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। हाँ, तो उसमें आप दवा जैसे टाकू में डाल लेंगे तो आपको 20-25 दिन में डालनी पड़ेगी। बाहर का टाकू में है या कोराजीन है या सजेंटा का, ये कह लीजिए एम्प्लीगो है, ये भी कोरेजिन टेक्निकल है, उसमें एक दो दवा और मिली रहती। अच्छा, या अडामा की आती, घड़ा की आती, बहुत अच्छी जैसे वगैरह, धावा वगैरह। अच्छा, अब फरमाइश जैसे मान लीजिए ये लेनी है मल्च जी, तो ये कहाँ से हमें उपलब्ध होगी सही तरीके से, जैसे आपने खरीदी है? सब जैसे मैं यहाँ लखनऊ से मंगा लेता हूँ या राठ में भी। एग्री प्लास्ट करके एक कंपनी है, वो मल्च बनाती है एग्री प्लास्ट, उसका बड़ा प्रचार आता है यूट्यूब पर जी। ना, मैंने देखा नहीं है, ये नो न्यूज़ सीखी है।
नॉन यू सीड की, तो नॉन यू सीड तो वही है जो जो उसका रेड लेडी पपीता की वैरायटी, तो उनका खुद का प्रोडक्शन है। अच्छा, तो ये क्या इनका वो है जैसे 400 मीटर का थान इसका रहता है, 400 मीटर का, तो क्या मूल्य इसका रखते हैं जी? ये